हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो पीएसयू बैंक के बारे में। एक है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा का 80 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर में खरीदने का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के साथ। 38 रुपीज का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो 13% का ग्रोथ इसने दिखाया है। आप देखिए 13% का ग्रोथ है। 33 रुपए से उठ के शेयर अच्छी खासी रैली दिखा चुका है, लेकिन ग्राफ अगर आप देखिए तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, 37 के करीब पहुंचा, वापस टूट के कहां है 35 तक, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी बनी है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत रैली यहां से दिखा दे, लेकिन फिर से थोड़ी बहुत गिरावट आपको जरूर देखने को मिलेगी, फिर थोड़ी बहुत तेजी बनेगी, फिर थोड़ी बहुत गिरावट। 1 साल का अगर आप ग्राफ देखिए इसका, तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा शेयर है। 41% का ग्रोथ है यहाँ पर, 26 रुपए तक का लो है, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी। 10 साल का ग्राफ आपको इसका क्लियर पिक्चर दिखाएगा कि 81% की भयंकर गिरावट है यहाँ पर, और हर तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट इसका इंतजार करती है। तो देखिए, एक चीज तो यहाँ से क्लियर है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप ये मान के चले कि मैं 5-10 साल के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा। जी नहीं, ये वो शेयर है जहां पर आप गिरावट में बाइंग करते हैं और प्रॉफिट होने पर आप यहाँ से एग्जिट ले जाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक मेरे हिसाब से अगर आपको 6-7 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो एक वक्त के लिए प्रॉफिट को बुक कर लेना ही सही ऑप्शन रहेगा। लार्ज कैप शेयर जरूर है, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 17 से 18 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हो रही है, काफी बड़ी क्वांटिटी में। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर के पास 73.15% की होल्डिंग है, 4.97% की होल्डिंग FIIs के पास है, 0.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 8.79% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सरकारी बैंक है, तो भैया डेफिनेटली उन्हीं के पास ज्यादा होल्डिंग रहेगी, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 155 जितने FIIs का पैसा लगा है यहाँ पर, 155 जितने FIIs का पैसा लगा है। हाइएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में अगर हम देखें तो LIC है, 8.34% की होल्डिंग है। डिविडेंड 2015 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। पीएनबी टेक्निकल रीडिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, और अनडाउटेडली यहाँ से दम है इसमें कि 40 रुपए तक ये पहुंच सकता है। ठीक है, पीएनबी अगर देखा जाए तो यहाँ से 40 रुपए तक जरूर पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद आपको एक गिरावट का भी सामना करना पड़ेगा। हल्की सी गिरावट होगी लेकिन आएगी जरूर वो। यहाँ पर आप देखें टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करें, और 4% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको यहाँ पर दे रहे हैं। रेवेन्यू में अच्छा खासा उछाल है, जहाँ 13 से 14 हजार करोड़ के रेवेन्यू थे, आज वो 20 से 21 हजार करोड़ देखने को मिले हैं। प्रॉफिट जहां 500 से 600 करोड़ का नुकसान था, अब वो पिछले 3 क्वार्टर में 550 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आएंगे। मार्च के नतीजे बहुत जल्दी आने वाले हैं, और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली वीडियो को जरा मैं आपको अपडेट भी कर दिया करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि यहां से अगर शेयर 42 रुपीज के आसपास पहुंचता है तो एक वक्त के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है, जब गिरावट आए दोबारा आप 40 रुपए के आसपास खरीदारी, 40 रुपए से अगर दोबारा ये शेयर आपको 38-36 के करीब मिले दोबारा, तो दोबारा आप वहां पर बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन 42 रुपीज से ऊपर शेयर निकलता है तो एक वक्त के लिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। पीएनबी के बारे में देखिए तो अकॉर्डिंग टू टिकर टैप खरीदारी करने का सही वक्त है, क्योंकि स्टॉक जो है वो अभी भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। कोई भी मेजर रेड फ्लैग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, और शेयर ने पिछले काफी महीने में अगर देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट भी यहाँ पर बनाया हुआ है। लेकिन हाँ, तेजी के बाद गिरावट भी देखने को मिलेगी, तो पैनिक मत कर जाना यहाँ पर, लेकिन तेजी जरूर देखने को मिलेगी। 38 रुपीज से तो ऊपर ही शेयर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा आने वाले वक्त में। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो 35 रुपए के नीचे अगर ये शेयर मिलता है या फिर 36 रुपए के आसपास मिले, तो
तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। और टुकड़ों में खरीदारी करना मैं ज्यादा पसंद करूंगा यहाँ पर, जैसे कि मुझे मान लीजिए कि 1000 शेयर खरीदने हैं तो मैं 250 शेयर खरीदूंगा, वेट करूंगा, थोड़ी गिरावट आएगी, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करूंगा, और जब भी शेयर 40 से ऊपर निकलेगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर कर लूंगा। दूसरा शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा, 80 रुपए का शेयर है, बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर आ चुकी है, बहुत बड़ी, 27 से 28% का ग्रोथ है पिछले 1 महीने में, 62-63 रुपए से उठ के शेयर 80 रुपए तक पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है जब 1 महीने में इतना दौड़ जाएगा, वो भी पीएसयू बैंक, तो प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिलेगी। और हाल फिलहाल में पीएसयू बैंक दौड़ भी रहे, सिर्फ बैंक ही नहीं बाकी भी सरकारी शेयर दौड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकारी शेयर में अनलॉकिंग का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे सरकारी शेयर अपनी जो ओरिजिनल वैल्यूएशन है उससे काफी सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। और अब जब हम अभी सरकारी शेयर में अनलॉकिंग की बात कर भी रहे हैं तो बहुत सारे शेयर में अच्छी खासी रैली बनी हुई भी है, 1 साल में 115% का ग्रोथ है। आप देखिए यहाँ पर मैं क्यों कहता हूँ कि एक बड़ी तेजी के बाद कड़ी बड़ी गिरावट के आपको प्रिपेयर क्यों रहना है। 37 से तेजी बनी, 52 तक पहुंचा, वापस लंबे समय की गिरावट में चला गया 40 रुपए तक, फिर ऐसी तेजी बनी कि ये शेयर तकरीबन पहुंच गया 95 रुपए तक, लेकिन उसके बाद ऐसे गिरावट भी आई कि अब दोबारा 60 रुपए तक भी आ गया ये, अब दोबारा दौड़ कर 80 तक पहुंचा, हो सकता है कि 85 तक पहुंच जाए, 90 तक पहुंच जाए, लेकिन वापस ये टूटना शुरू होगा, वापस 70-75 पे पहुंच कर ही रहेगा ये शेयर। तो देखिए ये चीजें हैं जो समझनी जरूरी है, क्योंकि हर बार का इसका चार्ट पैटर्न ऐसा ही है। 10 साल का भी अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो 51% की गिरावट है, एक बड़े ब्रेकआउट्स के बाद एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर आती है। तो ये इस शेयर की टेंडेंसी है, दोनों शेयर्स की। लार्ज कैप शेयर है ये, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, एनएससी में देखा जाए तो 13 से 14 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, दोनों ही शेयर्स में बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हो रही है। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर के पास 63.97% की होल्डिंग है, 6.89% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 9.20% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 6.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। यहाँ पर सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 27 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 181 एफआईएल का पैसा लगा है, और हाईएस्ट पब्लिक शॉर्टर में एलआईसी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.85% के आसपास है। बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। और देखिए 95% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 95% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 5% लोग ही है जो आपको बेच के निकलने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। रेवेन्यू डिक्लाइनिंग मोड में है, जहां 20,000 करोड़ के रेवेन्यू हुआ करते थे अब वो 19,000 करोड़ है, लेकिन प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट अच्छे हैं, अभी भी बेहतर प्रॉफिट्स है, 1,160 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ था दिसंबर क्वार्टर में, उससे पहले 1,800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो अच्छे प्रॉफिट्स में मानूंगा, इतने बुरे भी नहीं है, अच्छे प्रॉफिट्स है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब मार्च क्वार्टर में कैसे नतीजे आएंगे, कब आएंगे, कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाए। टिकर टाइप में अगर मैं देखूँ तो ये शेयर अभी भी एंट्री पॉइंट के लिए सही, मतलब 80 रुपए के आसपास खरीदारी के लिए सही लग रहा है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं पहुंचा है, कोई भी मेजर रेड फ्लैग्स यहाँ पर नहीं है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं। हो सकता है कि 80 रुपए का ये शेयर यहाँ से 90 रुपए तक चला जाए, लेकिन एक बात मैं आपको अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि वहां तक पहुंचने के बाद दोबारा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और मिलेगी जो इससे पहले देखने को मिली थी, दोबारा ये टूटेगा जरूर, तो इस चीज को भी यहाँ पर याद रखना है, ध्यान में रखना है। लेकिन पीएसयू बैंक है, बर्बाद तो नहीं होगा, गिरावट के बाद थोड़ी बहुत तेजी जरूर आएंगी। और बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर मैं इतना ही कहूँ कि अगर आपको पर शेयर 15 से 20 रुपए का प्रॉफिट होता है तो एक वक्त के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए तेजी के बाद गिरावट हमेशा बनती है, और ये हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं, यहाँ पर हर बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट आएगी और उस बड़ी गिरावट के बाद दोबारा एक बड़ी तेजी आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग समय समय पर करना स्पेशली इन शेयर्स में जरूरी है, नो डाउट। और यहाँ पर अनलॉकिंग की प्रोसेस चल रही है, काफी बड़ी रैली अभी भी बाकी है, लेकिन बीच बीच में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो पीएनबी में 7 से 8 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, एग्जिट लेना सही रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 15 से 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, एग्जिट लेना सही रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें,
और पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही सरकारी बैंक के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।